है, मैच चल रहा है, तो आपको ये एक वायरल इंस्टाग्राम पर बहुत ही ट्रेंडिंग पर चल रहा है एक क्रिकेट से रिलेटेड एक वीडियो, जो वो आप लोगों को मैं आज एडिट करना सिखाऊंगा। तो कैसे एडिट करता हूँ वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है बिंग एआई जनरेटर। जो ये आप लोगों को सर्च करने के बाद आपको जो इमेज क्रिएटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट ये फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को एक ईमेल से आपको एक जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन होना है। तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको लॉगिन हो लेना है। तो मैं सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे कि साथियों अभी देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक ईमेल से मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को ये बैग आना है। बैग आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आप लोगों को टाइप करना है। क्या टाइप करना है वो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कहा गया ये रहा, तो यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का अभी यही लिखना है। तो आप लोगों को मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लिया। अभी आपको क्या करना होगा, फिर से आपको यहाँ पर आना है। आने के बाद इसको ऊपर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। देने के बाद अभी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कुछ सेंस करना है। तो सेंस कौन सा सेंस करोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, जो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरा नाम है। जो मेरा नाम लिखा, मेरा चैनल का नाम लिखा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरा नाम लिख कर देता हूँ आर्यन जो है मेरा नाम है। तो मैं यहाँ पर मेरा नाम ही लिख देता हूँ, इसको टेक्निकल जो है इसको कट कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ मेरा नाम है। अभी आपको कितने नंबर पर आपको ये टी शर्ट पर आप लोगों को जो नंबर चाहिए कितने नंबर चाहिए, तो मैं विराट कोहली का जो नंबर है 18 उसको लिखा हूँ। तो अभी आपको क्या करना होगा, क्रिएट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये क्रिएट वाला ऑप्शन पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे ही क्लिक करोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। करने के बाद अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। तो थोड़ा सा आप वेट करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरेटिंग हो रहा है, तो आप लोगों को तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये आप लोगों को हो गया है। तो मेरे को कौन सा अच्छा लगा है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। ये वाला लेने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, इसको डाउनलोड करना होगा। तो देख सकते हैं इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक 3 डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है यहाँ पर आप लोगों को 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको अभी आप लोगों को डाउनलोड कर लेना होगा। आपको जो भी अच्छा लगे उसको अभी क्या करना होगा, आप लोगों को डाउनलोड कर लेना होगा। तो अभी और भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ये वाला है, तो आप चाहो तो इसको भी अभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नहीं तो आप लोग को ये वाला आपको और भी बहुत सारा यहाँ पर है, तो आपको जो मन में चाहिए उसको अभी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, अभी आपको इसको बैक आना है। बैक आने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन लगेगा जिसका नाम है कैपकट, इसको अभी सुपर वीपीएन से इसको कनेक्ट कर लेना होगा। कैसे कनेक्ट करोगे, तो मेरे वीडियो आप रेगुलर देखते हैं तो आपको पता ही होगा, तो सुपर वीपीएन जो है किस तरीके से काम करता है, इसको छोटा सा एक ऐड आएगा तो इसको कट कर लेना होगा। लेने के बाद इसको अभी कनेक्ट पर क्लिक करना होगा। देख सकते हैं तो मेरा कनेक्टिंग हो रहा है, तो सुपर वीपीएन जो है कनेक्ट हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना होगा, इसको बैक आना है, इसको ऊपर से बैक आना है। आने के बाद अभी आपको कैपकट पर चले जाना है। जाने के बाद अभी आपको मैं दिखाता हूँ लाइव प्रैक्टिकल करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं
मैं कैपकट पर चला जाता हूँ। जाने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो कैपकट पर मैं चला आया। अभी आपको क्या करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फोटोज पर क्लिक करना होगा। अभी आपको जिस फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, इस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मैं इसको ऐड कर लिया हूँ। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लास्ट में आना होगा, जो कैपकट जो वाटर मार्क है इसको डिलीट कर लेना है। लेने के बाद अभी आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने तो गाइस अभी आपको क्या करना होगा, अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड आपको स्लाइड करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा रोटेशन जो है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा आपको। यहाँ पर 9:16 का रेशो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना होगा। लेने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अभी देख सकते हैं तो ये जो फोटो है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। करने के बाद अभी आपको जितने दूर तक ये वीडियो आपको बनाना चाहते हैं तो उतना दूर तक अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है ना इसको अभी बड़ा कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो अभी आपको क्या करना होगा, जो आप लोगों का वीडियो है ना वो आप लोगों को यहाँ पर इनपुट कर लेना होगा। तो उसके लिए आपको ओवरले पर क्लिक करना होगा, ऐड ओवरले पर क्लिक करना होगा। करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, जो वीडियो आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड किए थे ना वो वीडियो आप लोगों को यहाँ पर इनपुट कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ये वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको यहाँ पर क्लिक आपको कर लेना है। लेने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर लेना है। लेने के बाद अभी आपको यहाँ पर टीपी जोन है इसको हिसाब से अभी यहाँ पर छोटा बड़ा कर लेना है। तो मैं कुछ इस प्रकार का इतना ही मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। लेने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। देखने के बाद अभी आपको क्या करना होगा यहाँ से, तो वैसे अभी आपको क्या करना होगा, इसको ऊपर आपको फास्ट में आना है। आने के बाद अभी आपको इसको जो है ना, जो आप लोगों को फोटो है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। लेने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो जैसे साथियों अभी देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को जो आपको क्लिप कॉपी कर लिए हैं उसको ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक आप लोग ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला ओवरले वाला जो ऑप्शन है ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर अभी क्लिक आपको कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो नीचे है ना ये आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसको आपको पकड़ के कुछ इस प्रकार का आपको फास्ट में ले आना है। ले आने के बाद अभी आपको देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो आप लोगों को जो यहाँ ना ये आप लोगों को दिखाई देगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, तो साथियों अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, आपको नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कटआउट पर क्लिक करना होगा। कटआउट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देगा बैकग्राउंड रिमूव। जो जैसे ही आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव पर क्लिक कर दोगे तो कुछ इस प्रकार का जो आप लोगों को बैकग्राउंड है ना यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो इसको सबसे पहले तो इसको वॉल्यूम तो मैं कम कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पर मैं इसको वॉल्यूम को म्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड पर वॉल्यूम पर आना होगा, इसको ज़ीरो कर देना है। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। अभी आप लोगों को वीडियो देना कुछ इस प्रकार का यहाँ पर बन के हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये आप लोगों को फेवरेट का जो यहाँ पर मैस है ये आप लोगों को यहाँ पर चलता रहेगा। तो आप देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार का आप लोगों को वीडियो एडिटिंग करना है तो कुछ इस प्रकार का आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको भी आपको थोड़ा सा इतने लंबा तक कर देना है, आपको जितने तक आपको रखना है यहाँ पर रख लीजिए। अभी बाकी का जो हिस्सा है ना इसको भी यहाँ पर कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरीके से इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। लेने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो बाकी का जो आगे का हिस्सा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये बाकी का जो हिस्सा है इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। सोरा सा यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो फाइनल वीडियो आप लोगों को मैं फुल करके दिखाता हूँ गाइस कोशिश पर करका। तो अभी देख ही सकते हैं कितनी शानदार कितने मज़ेदार यहाँ पर जो आपको मैच चल रहा है या आप लोगों को कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से वीडियो एडिटिंग करने के लिए तो अब मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो आपको एक मिनट में ही आप इस तरीके से वीडियो एडिटिंग वन क्लिक में ही कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरा जो विराट कोहली का जो सेंचुरी है ये हो चुका है। तो इस प्रकार का वीडियो आप ही एडिटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए